हे महाराज। कहिए महारानी। आज मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। आज? हाँ आज ही बात करनी जरूरी है जी महाराज। और बात भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है तो फिर तो बताई दे फिर दिक्कत कहाँ जो जरूरी बात है तो। महाराज हाँ मैं आज नारद जी की उपासना कर रही थी। अच्छा। और नारद जी ने मुझे एक विधि बताई है। अच्छा विधि बताऊं? किस लिए बताई है? किस लिए बताई है? क्योंकि हमारे घर में संतान नहीं है। अच्छा। और मैंने उनसे ये दुख अपना उनके सामने व्यक्त किया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक विधि बताई। विधि मैं आपको बताना चाहती हूँ। कौन सी विधि बताई महाराज? हाँ आप दूसरी शादी कर लीजिए। लेकर दूसरी शादी की कह रही है कुछ ध्यान कर ना करनी मना कर रहे ये मंत्री संतरी सब मना कर रहे हैं दूसरी शादी। मंत्रियों को तो बच्चे हैं महाराज। अच्छा। लेकिन हमारे नहीं है। महारानी जी थोड़ा को हिसाब किताब लगा काहे को 17 साल हो गए शादी को। अच्छा। और जब 17 साल में संतान ना हुई हाँ तो दूसरी शादी करने से क्या फायदा है महाराज? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आप ट्राई तो करके देखिए महाराज। अच्छा जी कोशिश करनी पड़ेगी जी महाराज। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये विचार आपका गलत है महारानी। महाराज अगर आप दूसरी शादी करेंगे तो हमारी वंश बेल चल जाएगी। कैसे कैसे चलेगी? आप मेरा निवेदन स्वीकार करें मेरी बात सुने। बता कैसे कैसे? सुनिए ए वंश बेल करवाले हो अरे जो किस्मत में लिखा मिटे ना कितने जोर लगा ले री रानी कितने जोर लगा ले चले ना मेरा री रानी जोर चले ना मेरा तेरा मत ना छोटे आस पिया क्यों दोष भागने दे रहा तेरा तेरा अरे यज्ञ हवन तप दान किए मने कर लिया यतन बतेरा री रानी कर लिया यतन बतेरा गिरी रानी अपना मन समझा ले अपना मन समझा ले ये इतने बड़े बड़े महल महाराज मैं अकेली रह जाती हूँ मेरा मन नहीं लगता इनमें। लेकिन ये मुझे काटने को दौड़ते हैं। जानता हूँ काटने को दौड़ते हैं लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ महाराज? आप ही कर सकते हो महारानी। कुछ नहीं हो सकता जो ये हमारी प्रजा है ना। हाँ ये जो छोटे छोटे बूढ़े बूढ़े बालक हैं जी इनको ही संतान समझ करके और हमें अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा महारानी। नहीं महाराज मैं नहीं जी सकती अपनी संतान के बिना। अगर आपने दूसरी शादी नहीं की हाँ तो महाराज कुछ बुरा हो जाएगा। अच्छा जी बुरी ठान ली है मतलब? सुनिए महाराज कह दे साही राज घराना ओ घराना
वरदान समझ हमें अपना धर्म निभाना री रानी अपना धर्म निभाना तेरा मोक्ष मिले ना बिना पुत्र के कहता सुना जमाना यो जमाना अरे सत कर्म और धर्म करे ते मिलता स्वर्ग ठिकाना री रानी मिलता स्वर्ग ठिकाना जी हाँ नारद जी की वाणी कभी खाली नहीं जाती और मैंने भी सुना है महारानी जी अगर नारद भी कभी खाली ना जावे कैसे उसका काम है चुगली करने का चुगली नहीं महाराज उन्होंने विधि बताई है ऐसे नारद तो हर गांव में मिल जावे हाँ। नारद का काम है इधर की बात उधर करना नहीं अमराज वो क्या बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं ऐसा नहीं है उन्होंने विधि बताई है तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी अच्छा हमें प्रयास करना चाहिए महाराज प्रयास चल मैं तेरी बात मान भी लूं हाँ तो प्रयास कैसे होगा मैं तो देखियो खूब राम की तरह बस मेरे आधे से औजार तो काम छोड़ गए बुढ़ापा लिया अभी बुढ़ापा नहीं आया महाराज और इस उम्र में मेरे साथ शादी करेगा कौन मैं करवाऊंगी आप हाँ तो करो शादी करवा देगी बिल्कुल करवा दूंगी अच्छा हाँ क्या क्या कहना चाहती सुनिए बेटी ब्याहते हाँ। कौन करे नादानी री रानी कौन करे नादानी मैं अपनी बहन सुरुचि को रे अपनी बहन सुरुचि को मैं तेरी बनाऊ रानी तेरा रानी अरे मैं बूढ़ा वो बालक से बदरंग लगे जिंदगानी री रानी बदरंग लगे जिंदगानी तेरा समझदार वो होरी शानी समझदार वो होरी शानी सारे प्रण निभाले बार बार मैं बार बार मैं समझाऊ री मत रानी रो पछाड़े री मत रानी रो पछाड़े अब तो छोरी भी मेरे हाथ में ही है छोरी भले ही तेरे हाथ में है महारानी हाँ। लेकिन मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ अगर मेरी दूसरी शादी हो गई तो भले ही तेरी बहन घर में आ गई जी तो सबसे ज्यादा दुख तेरे लिए हो जाएंगे दुख तो तब होगा ना जब मैं किसी और घर की लड़की को लेके आऊंगी मेरी सगी बहन है मेरी छोटी बहन है जैसे मैं कहूंगी वैसा काम करेगी अच्छा हाँ तू नहीं जानती है अभी तू बहुत भोली है शौक तो बावड़ी चून की भी बुरी होती है महाराज वो शौक नहीं है मेरी छोटी बहन है वो तेरी छोटी बहन ही शौक बन जाएगी और तेरे जीवन में कांटे बुझ जाएंगे मैं तुझे समझा रहा हूँ नहीं महाराज आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी अच्छा हाँ कह दे तो सुनिए चमन हमारा हमारा पछतावे अरे पछतावे कदे सोच
समझ ले रानी फिर दोबारा री मेरी रानी फिर दोबारा। परम पिता है सबका पालनहारा री वो सबका पालनहारा। मेरा धर्म सिंह है एक सहारा धर्म सिंह है एक सहारा की दूसी के गाले हो अकबर नैया अकबर नैया पड़ी भमर में उस दिन कौन संभाले री कौन संभाले। मेरा वंश बेल चल जागी साजने वंश बेल चल जागी साजने पूजा ब्याह करे वाले जो किस्मत में लिखा मिटे ना कितनी जोर लगा ले री रानी कितनी जोर लगा ले।